गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपका ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस का अगला पार्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये अपने आप में एक नाम है, कंटिन्यूअस एक नाम है, नाम ही काफ़ी है। फ्यूचर का मतलब भविष्य और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी भविष्य में किसी कार्य का लगातार होना। बस इसको तो टाइम एंड टेंस में इसको पढ़ाने का कोई रीज़न है नहीं, बट हम लोग एक एक पार्ट करके पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम जान ही लेते हैं ना, थोड़े बहुत ये भी हैं जान ही लेते हैं, लिख लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होंगे। हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहता क्या है? एन एक्शन इज डन इन फ्यूचर टाइम विद कंटिन्यू वे इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस, इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी मैंने कहा कि किसी क्रिया का भविष्य काल में किया जाना लगातार रूप से वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। अब आप एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके बाद बी लगता है, वर्ब के फोर लगते हैं, ऑब्जेक्ट लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने पड़ेंगे हमको सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा रानी विल बी प्लेइंग अ फ्लूट इन द मॉर्निंग। अब देखना, रानी विल बी प्लेइंग अ फ्लूट इन द मॉर्निंग। रानी बांसुरी सुबह में बजाती रहेगी, मतलब भविष्य में यह काम कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, भविष्य में कंटिन्यूअस रहेगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसों में क्रिया भविष्य में अपने आप को जारी रखने की बात को करता है। ये बात आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH बना लीजिएगा, ठीक है? इसमें कुछ करने नहीं है, बिल्कुल आसान सा टेंस है, इसमें कोई टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग पहले इसको जो है क्या कर लेते हैं, एक नेगेटिव भी कर देता हूँ। सब्जेक्ट शैल या विल लगाइए, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट करेंगे, और नॉट के बाद क्या करेंगे, बी करेंगे, फिर वर्ब के फोर, ऑब्जेक्ट और तब कंप्लीमेंट। ये रहे आपके आपके नेगेटिव। जैसे हम इसी सेंटेंस को क्या करेंगे, रानी विल नॉट बी प्लेइंग फ्लूट इन द मॉर्निंग, ठीक है? ये रहा आपके फ्यूचर इन परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए ध्यान देते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लो, हटाते हैं, हटा दें। चलिए फ्यूचर परफेक्ट, आपने परफेक्ट की बात बोला तो परफेक्ट क्या होते हैं? तो परफेक्ट भी भाई वही बातें होती है, कैन एक्शन डन इन फ्यूचर टाइम विद कंप्लीट वे। कंप्लीट वे यानी कि वेन एन एक्शन सोच अ वर्क इन कंप्लीट वे
इन फ्यूचर टाइम, इट्स कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई क्रिया दर्शाता हो किसी काम को पूरा होने का, वो भी भविष्य टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए जो है कोई अलग से इसके लिए भी रूल नहीं है। आप स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, इसके स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, जैसे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको फ्यूचर में है तो सेलविंग को रखने ही पड़ेंगे, और सेलविंग के बाद किसको रखने होंगे, हैव को रखने होंगे, हैव के बाद क्या रखने होंगे, वर्ब का थर्ड, और तब जाके क्या ऑब्जेक्ट, तब जाके क्या कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट कहो या अदर वर्ड कहो, बात वही है, परेशान मत होना कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। तो आप सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा आपने, शिल्पी विल हैव बीन रिडन अ साइकिल इन द मॉर्निंग। अब आप क्या कहोगे कि शिल्पी साइकिल चला चुकी रहेगी, सुबह में साइकिल शिल्पी चला चुकी रहेगी। ये आपके क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ऐसे सेंटेंसों में आपको कोई कोई वर्ड मिलते हैं, जैसे कुछ कॉमन वर्ड है उनको मैं लिखा देता हूँ, याद रहेंगे आपके लिए। बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, एक नंबर में आप क्या कहेंगे, बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ये वर्ड, और क्या करेंगे, बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फिर कहेंगे बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बिफोर के साथ सब्जेक्ट लगेंगे और क्या करेंगे, वर्ब लगेंगे, और बाय द टाइम एक और वर्ड आता है, बाय द टाइम फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखो और वर्ब लिखो। अब आप देखना, ये है कुछ पॉइंट। अगर आपको किसी सेंटेंस में इन सारे वर्डों का यूज किया जाता हो तो आपको समझ जाना है कि हमको स्ट्रक्चर कौन सा काम आएगा। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर काम आएगा, इसके अलावा दुनिया का कोई स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा। ये रहे आपके फ्यूचर परफेक्ट। अब आपके टाइम एंड टेंस चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे लास्ट वीडियो इसमें ही मिले हो तो आप जो है पूरे टाइम एंड टेंस के सारे वीडियोज को देखो कि जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए अंदाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका एस कुमार सर, ओम साई इंग्लिश, फिर से विदा होते हैं। आपके सामने फिर आएंगे नए अंदाजों में।